রাধাকুঞ্জ তট কুঞ্জ কুটীর গোবর্ধন পর্বত যামুন তীর রাধাকুঞ্জ Thank you.
Yeah.
प्रज्ञान कश्यप गोस्वामी महाराज की, वेदांत वामनदेव गोस्वामी महाराज की जय। मिथिलाभिष्ट श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण देव गोस्वामी महाराज की जय। मिथिलाभिष्ट सिद्धार्थ सरस्वती गोस्वामी ठाकुर गौरवाद की जय। जय रूप सनातन भक्त रघुनाथ श्री गोपाल भक्त दास रघुनाथ स्वर्ग स्वामी प्रभु की जय। नामाचरिदास प्रभु की जय। हरिनाम प्रभु की जय। भक्ति देवी की जय। उज्जैन से राधा रानी की जय। दामोदर पद की जय। दामोदर पद पद्म काली भक्त मंडली की जय। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय कदलये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। पंचाकल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
अजानुनं भिजगजो कनक वदातो संकीर्तन कवितरु कमलाय धक्को विश्वंभर दिजवरो जुगधर्म पालो बंती जगत यकरो करुणाय अवतार बरहा पीरग नटवरु वपु कन्नय कर्णिकार विभगन वैजंत माला रुंधान बिन अधर सुदयो अधर पुरयन गोप विद्वी विंदारण सपद रमन का सदगीत की बृंदावनेश्री तवई पदार बिंदम प्रेमा मतिक मगरम दरशोक पुण्यम हितापितं स्मरितो निर्भव विभक्षी हितापितं स्मरितो कृतापं निर्वाप्यथ परम शीतलगस्तयामि बंदी नंद भजस्तेना पादरेण अभिश्रस जासांगरि कथुकीर्त पुनाति भुवनत्र बागीशा जस्य गणवीरश्री जस्य तपस्सि यस्य स्थिरगहि संगी तंगि सिंहमंगजि भक्ताविहीनापराधलक्ष्मी कीर्तसकारादितरङ्गमध्ये कृपामयी तां शरणं प्रपन्ना विन्दे नमस्ते चरणारविन्दं श्रीकृष्णचैतन्या प्रभुनित्यानन्दा श्री अद्वैतवदाधर शिवाचार्य गौरभक्तवृन्दं हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे अस्मादीय शुभपाद पद्म भगवानी अभिन्न प्रकाशित सब संबंध के प्रदाता ओम विश्व पानित्रा विश्व परमहंसम भक्ति दैत माध कृषि चरण कमले सष्टांग प्रणाम करते हुए अहित की अभ्यर्थना करता हूँ नित्लापिष्ट परम सस्त भक्ति प्रकार कृष्ण महाराज नित्लापिष्ट भक्ति वेदांत वामन दीप सिंह महाराज नित्लापिष्ट सिमा भक्ति वेदांत नारायण दीप सिंह महाराज चरण कमले सष्टांग प्रणाम करते हुए अभ्यर्थना करता हूँ विश्व पैवी श्रीमन महापुरुषोत्थ कथा प्रचार प्रचारक नित्र सिद्धांत सरस्वती कृष्ण ठाकुर प्रभुवादी चरणी सस्तक प्रणाम हित में प्रार्थना करता हूँ आदरणीय वैष्णविंद वैष्णवी सबको भी आदर करता हूँ सबका आशीर्वाद प्रार्थना करता हूँ किसी गुरु गौरवधार की धरी अपार करुणा से जमुना सन्निकृष्ट गोपीनाथ भवन में पूज्य श्री राधा की व्रत उद्यापन करने के लिए हम लोग से एकत्रित हुए हैं परम सौभाग्य है ऐसे महान समय में हम लोग उन्हीं उनका ही पदांकित स्थान वृंदावन का से करते हुए व्रत उद्यापन करने के लिए हम लोग आगे चल रहे हैं हमारे सामने दो तीन चार दिन बाकी है व्रत उद्यापन की समाप्ति के लिए तो हम लोग उनके कृपा से कुछ भगवान की कथा महापुरुष श्री राधा जी के प्रसंग संबंधी हम लोग आलोचना श्रवण करके आ रहा हूँ आज जो है गोपाष्टमी है ना धनंजय घोष गदाधर दास सिनेमा चाचा जी का आज तिरुभाति महोत्सव धनंजय घोष गदाधर दास और सिनेमा चाचा paying obeisances to the Param Gurudev, Gurudev of Maharaj, Bhaktidevita Madhava Maharaj, Pujapad Keshav Maharaj, Pujapad Vaman Maharaj, and Pujapad Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj.
Then Maharaj is asking for mercy from all the Vaishnava and Vaishnavis over here, so that we can, we have been fortunate to celebrate the festival of Ujjeshwari Radharani sitting on the banks of Yamuna at Gopinath Bhavan. Today, and we are just a few days away from the closure of this Kartik Vrat, so we are, as we are continuously listening to or discussing about Radharani's pastimes, around Radharani and Krishna's pastimes. And today is Gopashtami. Also today is the disappearance day of Dhananjay Ghosh, Srinivas Acharya and Gadadhar Das. Tirasivar Mahaprabhu Parshad. Dhananjay Ghosh Gadadhar Das Nityananda Parivar mein hai. उन्होंने दुर्दांत काजी को मुसलमान ने हरिनाम दिया था। वैष्णव जगत में श्री श्रीनिवास आचार्य गौड़ीय वैष्णव जगत एक महान कीर्ति और उनका अवदान है। गदाधर दास and Dhananjay Ghosh, both of them are the associates of Nityananda Prabhu, and Gadadhar Das has done a major part of the pastime when he offered Harinam, provided Harinam to Kaji. Very, very terrific, who has created so much of turmoil in Navadvip to Kaji. And Srinivas Acharya is one of the very, very major associates of Chaitanya Mahaprabhu. Srila Srinivas Acharya, Vrindavan jo unko sthan hai, दर्शन किया है श्रीनिवासाचार्य का जो स्थान है वृंदावन में मालूम है Do you know where the holy place of Srinivasacharya in Vrindavan is? नहीं नहीं गोपीनाथ गौड़ीय मठ है ना नहीं नहीं गोपीनाथ गौड़ीय मठ जो बोधन भक्ति प्रमद पुरी गोस्वामी मठ इस तरफ तो चला गया गोपीनाथ गौड़ीय मठ इस अपोजिट साइड में श्रीनिवासाचार्य का पाठ है वहाँ अवश्य दर्शन करना अच्छा स्थान है श्रीनिवासाचार्य का है तो ज़्यादा उन्नति नहीं किया कर सका वहाँ का जो गोसाई लोग परंतु हम लोग कभी कभी जाते थे उसका पीछे ठीक धीर समीर का स्थान है गोली चला गया ना धीर समीर का स्थान तो श्रीनिवास आचार्य उनका गुरु पाद पद्म गोपाल भट्ट गोस्वामी गोपाल भट्ट गोस्वामी राधारमन का गोपाल भट्ट गोस्वामी उनका गुरु पाद पद्म तो श्री नरोत्तम ठाकुर श्यामानंद श्रीनिवास आचार्य तीनों शिला उस समय जब श्रीनिवासाचार्य वृंदावन में आए थे उस समय श्री रूप गोस्वामी प्रभु सनातन गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी सभी अप्रवृत्त अप्रकट हो गए थे श्रीनिवास आचार्य प्लेस ऑफ devotional practice in Vrindavan is very close by. We know Gopinath Gauriya Math of Bhakti Pramod Puri Maharaj. There's a road which goes on the right side is the Puri Maharaj's Math, and on the left side, if we go, we see the place of pastime, a place of
spiritual practice of Srinivasacharya. Just behind that, in the lane, goes Dhir Shamire. And Srinivasacharya is the disciple of Gopal Bhatta Goswami. When Srinivasacharya came, Rup Goswami, Sanatana Goswami, Raghunath Das Goswami has left their pastime from here. He came to Vrindavan. Come again? When he arrived to Vrindavan, When they came over to Vrindavan, they have already completed their pastime and went to the eternal place. Apne bahut durbhagya mana hai. जब मानवत्व किया वहां भी सची माता आदि सब प्रकट हो गए. जब जगन्नाथपुरी किया शिवन महाप्रभु जी नित्य धाम में चले गए. वृंदावन आया रघु गोस्वामी सनातन गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी सब प्रकट हो गए. एकमात्र उस समय जीव गोस्वामी प्रकट थे. जीव गोस्वामी श्रीजीव गोस्वामी प्रकट थे. When Srinivas Acharya went to Navadvip Dham, Sachi Mata has also left the abode, left for her eternal abode. When he went to Puri Dham, even Mahaprabhu has completed his pastime on this earth. And when he came to Vrindavan, as we just said, he did not find Rupa Goswami, Sanatana Goswami and Raghunath Das Goswami here, as they have also completed their pastime and went to the eternal abode. But he was very blessed as he got the chance to be with Jiva Goswami at that time. तीनों को वैष्णव शास्त्र को उद्धार कराया. श्री जीव गोस्वामी taught all the Vaishnava scriptures to Narottam Das Thakur, Srinivas Acharya and Shyamananda Prabhu. अपने समस्त शास्त्र अध्ययन करने के बाद श्री जीव गोस्वामी विचार किया है कि हम लोग सब अप्रकट का बात में गौड़ी योग शास्त्र को यहाँ रखना रखना नहीं हो सकता है. इसलिए उन तीनों को एक गरुड़ गाड़ी में बड़े बड़े बाकस में समस्त ग्रंथ को रख के पश्चिम बंगाल भेजने के लिए व्यवस्था. Jiva Goswami realized that after they complete their pastime or after they leave this earth, all the great Vaishnava scriptures which have been compiled by them, it will be very difficult to maintain in Vrindavan. So what he decided that in large boxes, all the scriptures will be kept and sent over to Bengal, and this work has been entrusted on Narottam, Srinivas and Shyamananda Prabhu. इस प्रकार से ग्रंथ को लेके जा रहा था. जाते जाते बांकुड़ा विष्णुपुर में जाकर उपस्थित हुए. उस समय विष्णु बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट विष्णुपुर वहाँ का राजा का नाम था वीर हम्बीर. जो वीर हम्बीर का शिलो भक्तपुरी गोस्वामी महाराज जी का पास में एक समाधि मंदिर है ना दामोदर में. बिसाइड भक्ति प्रमोद पुरी महाराज देयर इज अ पुष्प समाधि ऑफ वीर हम्बीर द बिग वन इज देयर. क्वीन उनका रानी का भी नाम है. क्वीन इज आल्सो रानी.
उनका रानी है ना, पत्नी है ना, उसका ही नाम है क्वीन, क्वीन ऑफ बीर हम्बीर, ध्यान देना है ना, पूरी महाराज जी के पास. When when they started their journey from Vrindavan to Bengal, they reached Bankura district in the place town called Vishnupur. There at the time the king was Bir Ambir, and we see that there is a Pushpa Samadhi of the queen of Bir Ambir in Radha Damodar temple beside Bhakti Pramod Puri Maharaj's Pushpa Samadhi. तो बीर हम्बीर का पास ज्योतिष जानने वाला, गणना करने वाला कुछ पंडित लोग उनके पास में रहते थे. तो पंडित लोग बीर हम्बीर के कहा है इस प्रकार से गुरु गाड़ी में बहुत कुछ अमूल्य वस्तु लेके आ रहा है, उसको तुम चोरी कर लेना. Bir Ambir, King Bir Ambir had some renowned astrologers with him in his courtroom. So those astrologers told him that there are some people who are coming in bullock carts carrying some very rich, wealthy materials. So you should do robbery. You should rob them. And take it in your own custody. तीनों का रात को नींद आ गया, जितना बाकस में समस्त धन थे चोरी कर ले गए, बिराम चोरी कर ले. So Narottam Das Srinivas Acharya and Shyamananda Prabhu, they fell to sleep or dizzy. At that time, the men of King Bir Ambir robbed them of all these valuable scriptures. सुबह उठ के देखा गुरुपाद पतसी जी गोस्वामी का पेरी तो गंत है, चूरी हो गया. तीनों का मर्मांतिक दुख मिला है. इन द मॉर्निंग व्हेन दे वोक अप दे वर इन अ स्टेट ऑफ शॉक, अटर शॉक. That all the great scriptures written by Jiva Goswami, which was they were carrying, not a single of them were there. It was million times death struck them at that time. फिर श्रीनिवासाचार्य ने नरोत्तम ठाकुर समानंद को कहने लगा, ठीक है, आप दोनों प्रचार का उद्देश्य में जैसे मणिपुर ईस्ट बंगाल का तरफ प्रचार करो, क्यों नरोत्तम ठाकुर का अभिभाव स्थल है खेतरी गांव, जन्म स्थान है उनका, बर्थ प्लेस नरोत्तम ठाकुर खेतरी. और शिवानंद कहा उड़ीसा का तरफ प्रचार करने के लिए. श्रीनिवास आचार्य then told to Narottam Das Thakur and Shyamananda Prabhu to please go ahead on your preaching work. Narottam Das Thakur has been told to go towards Manipur and East Bengal, as his birthplace is Khetri in the current country of Bangladesh, which is East Bengal at that time. And Shyamananda Prabhu was requested to go towards Orissa, where his birthplace was there. इस प्रकार से दोनों तो प्रचार मुक्ति से चला गया. श्री श्रीनिवास आचार्य ग्रंथ को अन्वेषण के लिए बीर हम्बीर जो राजा था उनका राजधानी में आके रहने लगा. श्रीनिवास आचार्य स्टार्टेड द वर्क ऑफ फाइंडिंग आउट दीज लॉस्ट स्क्रिप्चर्स. He came to the capital of King Bir Ambir and started staying there. उसके बाद में बीर हम्बीर भक्त थे, उन्होंने सेवा आचार्य को सुंदर उक्त भागवत का ऊपर कथा
भागवत प्रचार भागवत कल्प कथा करने के लिए उनको निमंत्रण किया था। तो निमंत्रण करने से श्रील श्रीनिवासाचार्य वीर हम वीर का राजधानी में अपना भागवत श्रवण कराया। King Vihambir was also a devoted person. He requested Srinivasacharya to have a speech on Srimad Bhagavat. Then Srinivasacharya performed Bhagavat Katha over there in front of King Vihambir. Sundar Bhagavat ka upar pravachan sunte hue Vihambir bahut santushta hua। संतुष्ट होने के बाद फिर श्रीनिवासाचार्य को उन्होंने कहा, देखो हम लोग इस प्रकार से मंत्र लेकर आया, तो जब आपको राजधानी में उपस्थित हुए हमारे मंत्र चुरी हो गई। किंग वीरांबी फेल वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड लिसनिंग टू श्रीमद् भागवत कथा स्पीच ऑन श्रीमद् भागवत फ्रॉम श्रीनिवासाचार्य। Then Srinivasacharya became close to King Vihambir and he said that when we are coming all the way from Vrindavan and reached your kingdom, at night all the important scriptures has been stolen in your kingdom. उस बात में वीरहंगीर कहा है तो हमारी इस प्रकार से आपको जो गलत मेरे पास है तब श्रीनिवासाचार्य को शांति मिला है, ग्रंथ प्रसारी वापिस मिला। इस प्रकार से वैष्णव ग्रंथ को शिल वृंदावन से लेके आज जो समस्त ग्रंथ हम लोग पढ़ रहा है, दिव्य गोस्वामी का पूरी रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जितना गौड़ीय शास्त्र को सब से संरक्षण करने के लिए शिल जीव गोस्वामी भेजा था, श्रीनिवासाचार्य उनको उद्धार किया है। किंग वीरहंबिर रियलाइज दैट ही इज द वन हु एंश्योर्ड और हु मेड दिस ऑल दिस वर्क ऑफ रॉबिंग दिस बुक्स और स्क्रिप्चर्स, सो ही देन टोल्ड श्रीनिवासाचार्य दैट ऑल योर बुक्स आर विद मी, इट इज माई मैन हु हैज डन दिस work. It was a matter of tremendous excitement for Srinivasacharya that he has got back the books, the work of his all the great masters of Jiva Goswami, Rupa Goswami, Sanatana Goswami and all the other scriptures written by all the Acharyas. So he got back all those books. It was the books which today we all are relishing, reading, and they are our life for achieving our spiritual path and progress. So all these books have been found back by Srinivasacharya. So it is a great, great work or event in the history of our spiritual progress. इस प्रकार से फिर बाद में श्रीनिवासाचार्य का आचार्य जी से मंत्र दीक्षा लिया, मतलब गुरुपाद का वर्ण किया है वीरहंबिर राजा। और उस स्थान उसके बाद में पूरा विष्णुपुर में प्रचुर रूप से श्रीनिवासाचार्य जी को प्रचार किया है और उनको बात पद में हम लोग जो समस्त गौरी ग्रंथ आज हम लोग पढ़ रहा हूँ श्रवण कर रहा हूँ, इसलिए उनको बात पद में हमारे वंदनीय है, उनको पाद प्रणाम करते हैं। Then King Vihambir got initiated by Srinivasacharya and Srinivasacharya then spread the message of Gauriya Vaishnavism all across the kingdom of King Vihambir. So we offered our humble obeisances, heartfelt humble obeisances to the lotus feet of Srinivasacharya for his great work of finding all these great scriptures back again, otherwise we would not have been able to
get a feel of any of the scriptures which we are studying today. So we are, once again, we're offering our humble obeisances to the lotus feet of Srinivas Acharya. अपने आप इस प्रकार से विचार कर रहा है, मेरे इस प्रकार से राधानी के बात पर भी सगातु अपने दृष्टि का आकर्षण करने के प्रकृष्ट उपाय समझ करके इस लोक का धराधरी को कांतर कंठ में पुकारने लगा। जिस प्रकार से विषय रूपी केतु की रूपी कंटक को सिद्ध छिद करके मधुकर स्वरूप तदीय पार्श्वत में आश्रय ग्रहण करना कर रहा है, समझ में कहते जो इस श्लोक में सकातुर संबंध दृष्टि आकर्षण करने के लिए प्रकृष्ट उपाय मेरे पास है। इस श्लोक में राधा रानी का कातुर कंठ में शिल गंता खासी सुंदर सरस्वती पाद कातुर कंठ में पुकारने लगा, क्यों मैं विषय रूपी कंटक में जो गिरा हुआ है उस गिरा हुआ मेरे जीवन को मधुकर स्वरूप राधा जी के पाद पद्म में आश्रय ग्रहण कर रहा हूं। सो इट्स अ वर्स फ्रॉम राधा रस सुधानिधि बाय प्रभु। दिस वर्स इट सेज that Prabodhananda Saraswati, as a devotee, as a sadhak, he is crying in despair, and saying to Radharani that, O Radharani, I am completely enmeshed in this material world. It is like a thorn which has gone into our soul. Please take me out from this and put me onto the mellows of the honey nectar of your lotus feet. Please, please. See, he is crying in despair. He Vrinda Maneshwari. He Vrinda Maneshwari. Aapko charan kamal. परम शीतल है, परम शांतिदायक है, अद्धति आदि वही भौतिक और अद्धति आदि भौतिक आदि दैविक आदि दैविक तिताक्ष में ये यंत्रणा तितारूपी यंत्रणा से उत्पीड़ित होते हुए आज चिताक्ष से बचने की एकमात्र निवारक है आपको परम शीतल चरण कमल और प्रेम का अमृत रूप अद्वितीय भंडार सब आपको चरण भागवत। ओ राधारानी, प्रबोधानंद सरस्वती कंटिन्यूज क्राइंग इन डिस्पेयर दैट योर लोटस फीट is having a calming cold sensation, the mild cold sensation. Maharaj, arekbar ektu pore din jaygata. Arekbar pore din.
कहती जी आपको जो परम शीतल चरण कमल आध्यात्मिक आदि दैवी आदि भौतिक रूपी जंतुनाथ का निवारक स्थान है. We are the coolness of your lotus feet has the ability to take all the three layers of miseries, three types of miseries which we are continuously suffering. So it is only your lotus feet which has the ability to remove or take away all the miseries from my life. इसलिए मैं एक मात्र आपको अनन्य से कोई अन्य उपाय नहीं समझ करके आपको चरण पादुकों को भी शरणागत हो रहा. I know that now there is no other option for me. Your lotus feet is the only source of my removal of suffering or the remedy. So I am completely surrendering myself to your lotus feet, O Radharani. Madhupati Bhattacharya Krishna. Ogi Madan Dara Madan Rupi Kaam hai. Kaam ne is prakar uttapt hua hai. वो भी आपका चरण पाद आश्रय करने से मदन रूपी ताप को प्रशमित हुआ है. ताप प्रशमित हुआ मधुपति और ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्णा व्हेन ही आल्सो गेट्स एक्साइटेड इन द डिवाइन लव और द डिवाइन लस्ट वी शुड कॉल इट एज डिवाइन लव to remove the heat, to get himself away from the heat of this divine love, he also takes shelter of your lotus feet. Mere pita pe dara dakti pita ek dakti pita avastha mein ek matra nivara nivarit avastha mein ek matra aapri aapki charan ka. So it is only your lotus feet which is our source of remedy. So I once again offering my total surrender to your lotus feet. He Adhishwari is prakar apar ka dhara parakram se rakha karne ke liye aapka sakhiyo पाद पद प्रयासित करता हूँ. आप मेरे की रक्षा करिए. ओ राधा रानी प्लीज सेव मी फ्रॉम ऑल द मिजरीज व्हिच वी आर सफरिंग फ्रॉम व्हिच आई एम सफरिंग फ्रॉम एज आई हैव नो अदर सोर्स नो अदर प्लेस टू टेक शेल्टर इट इज ओनली योर लोटस फीट. सो वंस अगेन आई एम ऑफरिंग माय टोटल सरेंडर टू योर लोटस फीट. इसलिए हम लोग को श्रीमद् महाप्रभु जी का इस अवतार के एकमात्र कारण है विश्व में राधा तत्व को समस्त विश्व का अवदान दिया है. एकमात्र गौरवीय वस्तु में हारती एकमात्र विष्णु गौरवीय वस्तु में जीवात्म राधा जी का आश्रय करने के लिए महाप्रभु का अवदान है. चैतन्य महाप्रभु वी आर थॉरली इंडेटेड टू चैतन्य महाप्रभु फॉर हिज फिलोसफीज ऑफ स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ राधा तत्व द प्रिंसिपल्स ऑफ द इटर्नल लव एंड मर्सी ऑफ राधा रानी. सो वी ऑफर or pay our obeisances to Chaitanya Mahaprabhu again and again and again. Hum log Srila Guru Gauranga Mandir ke paas hi Govind Lalit
Discussing on Govinda Lilamrit for the last few days. So moving ahead, we know that that Jatila has handed over Radharani to Lalita and Kundalata, and Jatila has started with, as she is now satisfied, she is now happy and without any doubt, going back to her work of making the golden cakes. हम लोग का हमेशा ध्यान रखना चाहिए साधन जीवन में किस प्रकार साधन को करने के आग्रह होना चाहिए. बातचीत रूप से जुटिला कृष्ण से मिलने के लिए किस प्रकार से बाधा उत्पत्ति करते हैं. साधक जीवन में जब तक विपत्ति आएगा, जब तक बाधा आते हैं, उससे हृदय में कृष्ण भजन के लिए एक तरंग आता है. जब विपत्ति नहीं आते हैं तब तरंग नहीं आते. इसलिए साधक जीवन में उत्साह होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए. जब कृष्ण प्राप्ति मिलेगा उसका निश्चित तत्त कर्म प्रवर्तनात् कृष्ण अनुसरण के लिए कर्म करना चाहिए. संगतेग सत वित्ति असत्संग त्याग करना चाहिए, सत संग करना चाहिए. ये छह प्रकार भक्ति अनुशीलन के लिए हमारी जीवात्मा है. Worshipping Krishna or devotion to Krishna is the aim of our spiritual practice. And in the process of this worship, devotional practice, we must always be very focused on staying away from wrong associations and stay with the proper spiritual association who will help us in our spiritual practice to the right tradition of worshipping or devotional practice to Krishna. Lalita Kundalata Shri Radha ki ka sakhi hai, nikatastha sakhi hai. Lalita ko to baat hi chhod do. Kundalata Lalita hamesha hi राधानी का इच्छा पूर्ति करने के लिए निरंतर चेष्टा रहती है. इसलिए जुटिला को कहने लगा ललिता कुंदलता, हे आजी आप निश्चिंत रहो, आप निश्चिंत रूप से घर का कर्तव्य को समाधान करो. जिस प्रकार से नयन का जो दुख है ना, दोनों है ना, ये दोनों है, नीचे ऊपर है ना, आईलेट, वो
उसका काम क्या था? नेत्र को रक्षा करने वाला, भीतर वाला नेत्र को रक्षा करने के लिए। आप चिंता मत करो, आपको जो पुत्र बुद्धि वधु जो राजधानी है ना, जिस प्रकार से नेत्र का दोनों जे पता ना क्या होता है जैसे रक्षा कर होता है, इसी प्रकार से आपको पुत्र बुद्धि को निश्चित रूप से रक्षा करेगा, जिस प्रकार से वो चोखेर पाता जो नंद महाराज का छुरा है ना, उसका निगाह भी नहीं देना दे। So, being completely happy, Jatila handing over Radharani in the hands of Kundalata and Dalita. She has no questions on Dalita because she knows that Dalita is always very, very fond of Radharani and she takes care of Radharani. Now Kundalata, she is also absolutely now satisfied and happy on Kundalata that she is also completely will take care of Radharani. So Kundalata says to Jatila, O RJ, which is a notation to a salutation for a respectable lady in Braj, that as the eyelids safeguard the eyeball and the eye, we will safeguard your daughter-in-law from the Nanda, from the son of Nanda, the naughty son of Nanda. इस प्रकार से जटिला का अंग का पालन करते हुए सखीगण जैसे मधु को मधु रूपी मधु फूल का मधु संग्रह करने के लिए अर्थात कृष्ण से प्राप्ति के लिए प्राप्त रूपी फूल से मधु को संग्रह करने के लिए मदमत हुआ आनंद उत्पन्न होते हुए घर का भी पवित्र गमन किया है, परंतु घर में जाने के लिए असमर्थ होते हुए भी धैर्य अवलंबन पूर्वक राधा को साथ में लेके गृह में गृह का अंतर में उपस्थित हुए। So now, as the honeybees, they suck the nectar, or they drink the nectar from the pollen grains of the flower. Similarly, the work has been accomplished. Now the nectar of the union of Radha and Krishna will be happening. So now they entered, along with Radharani, inside the room, inside the house. इस प्रकार से श्रीमती राधारानी को दासी का सुंदर पलंग का ऊपर उनको प्रवेशन कराया, उसके पाद पर दोनों पाद पर उनको धूप किया है, धोया किया है, मार्जना किया, मुझ दिया, फिर पाद सम्मान का मिला राधा का, इस प्रकार से परिचर्य किया है। The sakhis, the maids, now they have started serving Radharani very carefully. They made Radharani lie on a very beautiful flower bed and cleansed the lotus feet of Radharani. And after that, they started massaging Radharani's lotus feet. गोवर्धन गिरी बड़े देव एकदम भूल गया मैं गोवर्धन गिरी बड़े केवल नीचे स्थले शयन करावत आकारे है ना, गोवर्धन का निश्चस जो उन जो है निराधा के सुधन को शयन कराऊंगा। In a very secret and cozy place in Govardhan Hill, we will
have Radha and Krishna reside in ecstasy, meeting each other when no one is there. Lalita Visada Sange Sivana Kariva Rangi Sukamaya Ratana Charan. Kaithe Lalita Visada Sange Sukamaya Ratana Ratana Nika Sunta Ratana Charan Ko Sava Karunga. Kanaka Sankuta Kari Karupura Tangula Kari जगाइब बदन कमाले तांगुल मतलब पान है ना कनक में सुंदर दूसरे उसमें जैसे कुरकुर सुपारी इलाची ये समस्त देख सुंदर तांगुल बना करके राधिका मुखारविंद में अर्पण करूंगा. Along with Lalita and Vishakha, in such cozy place in Govardhan Hill, beside Govardhan Hill, we will serve the very beautiful lotus feet of Radharani. And we will make a betel leaf full mixed with, or it is having the all the good ingredients like camphor, sweet nuts and other jellies which are very very tasty, increasing the mellows of ecstasy of Radha and Krishna. We'll make that betel leaf, prepare the betel leaf, and in a golden vessel or in a golden plate will offer it to Radharani. Sonar katata kari shivanta chandana kari duhakar siyam kithali. Sonar katata me chandan khaske sundarun ke sen fin laga karke shiradhani siyam ke me dhal dunga. In a golden vessel or pot, will make sandalwood paste with all the beautiful aromatic aroma, aromatic scents. We will paste them on Radharani's Sriyanga or her divine body. Guru Rupa Sakhi Vame Tivanka Bhangi Matami Chavari Vathasakhi Vame. Krishna, Amishai Radhani ke paas Tivanka Bhangi Ma ho jate. Khara nahi ho sakta hai. Dekha na aise, tera, idhar charan, iska Tivanka Bhangi Ma kahte. Teen vakra hai. ऐसे ही वक्र हो जाते हैं, शरीर वक्र हो जाते हैं, चरण वक्र हो जाते हैं. इसलिए कहते तिभंग भंगिमा गुरु रूप सखी वामे तिभंग भंगिमा ठामे चामरेर बातास करीबो. गुरु का कृपा से गुरु हमारे पास में रहेगा, गुरु का पास में साधक कृष्ण राधारानी के पास में अवस्थान कर रहा है. चामर है ना, चामर किस प्रकार से, चामर को कभी मंदिर में ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए. कभी कभी पुजारी देखता है ना चामर ऐसा कर देता है, ऐसा नहीं करना. एकदम नरोत्तम ठाकुर कह रहा है, गुरु रूप सखी भामे तिवंग भंगी माठामे चामर ईर बाधा सुकरी. धीरे धीरे हिलाते रहो, मृदु मृदु हवा जो है उनके दोनों का शरीर में जैसे लागे. कभी जबरदस्ती ऐसा नहीं करना चाहिए. कभी कभी पूजा ऐसा नहीं करना चाहिए. एक्सरसाइज फिजिकल ब्रीथ
ये सब शास्त्र पढ़ के तब कृष्ण सेवा होता है, बिना शास्त्र नहीं पढ़ के साधु को संग नहीं करके मंदिर में जाके मस्तानी करना, इस साधु सेवा नहीं होता है। इसलिए गुरु रूप सखी भामे तिभंग फंगनी माठा में जामरे बाधा से करो, ऐसे धीरे धीरे हिलाते रहो, धीरे धीरे हिलाते रहो, जैसे राधा कृष्ण को दोनों को धीरे धीरे हवा लगते रहे, समीर चलते रहे। So, the service of fanning Radha and Krishna when they're in this beautiful cozy grove in Govardhan Hill, beside Govardhan Hill. So how my Gurudev, who is also a Sakhi, in the Sakhi form, who is there, I will be beside him. And Krishna, we know that Krishna is always with Radharani, his body is bent in three places. So, in that similar way, I will also fan Radha and Krishna, but very mildly. Gentle. Not gentle. Very gently, very gently, so that they feel happy. It's not very, very hard way, rough way that the gush of wind goes to them. It's a very soft way, just in line with the mood they are in together at that time. So also Maharaj said that by sadhu sangha, staying with the spiritual leaders and Vaishnavas, we must read these books, scriptures, and then only we become really in the right direction, we do our spiritual practice. And without good sangha, without good union of spiritual leaders, if we just go to the temple and we do whatever service we do, then everything may go in vain. इसलिए श्रद्धा रहना चाहिए, गुरु सेवा एकमात्र मेरी जीवात्मा है। गुरु रूप गुरु रूप